गोल्डन लायन टैमारिन लियोनटोपिथेकस रोजालिया एक छोटी बंदर प्रजाति है जो ब्राजील के अटलांटिक तटीय जंगलों की मूल निवासी है। यहाँ गोल्डन लायन टैमारिन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। भौतिक विशेषताएं, गोल्डन लायन इमली का एक विशिष्ट रूप होता है जिसमें एक जीवंत लाल सुनहरा फरवरी होता है जो उनके शरीर को ढकता है जिससे उन्हें अपना नाम मिलता है। उनके चेहरे के चारों ओर लंबे घने बाल होते हैं जो एक शेर के अयाल जैसा दिखता है और ये विशेषता वयस्क पुरुषों में अधिक स्पष्ट होती है। उनके शरीर का आकार छोटा होता है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 12 इंच 20 से 30 सेमी होती है, जिसकी पूंछ की लंबाई लगभग 13 से 16 इंच 33 से 41 सेमी होती है। वयस्क गोल्डन लायन इमली का वजन आमतौर पर 1.5 से 2 पाउंड 0.7 से 0.9 किलोग्राम के बीच होता है। पर्यावास और वितरण, गोल्डन लायन इमली दक्षिण पूर्वी ब्राजील के तराई और तटीय जंगलों के लिए स्थानिक है, विशेष रूप से रियो डी जनेरियो और साओ पाउलो राज्यों में। वे नम जंगलों में रहते हैं और विशेष रूप से अटलांटिक फॉरेस्ट बायोम की घनी वनस्पति के अनुकूल हैं। व्यवहार और सामाजिक संरचना, गोल्डन लायन इमली दैनिक दिन के दौरान सक्रिय और वृक्षवासी होते हैं जो अपना अधिकांश समय पेड़ों में व्यतीत करते हैं। वे पारिवारिक समूहों में रहते हैं जिनमें एकांगी प्रजनन जोड़ी और उनकी संतानें होती हैं। आमतौर पर लगभग 2 से 8 व्यक्तियों की संख्या होती है। संतानों की सहकारी देखभाल देखी जाती है। माता पिता और अन्य वयस्क समूह के सदस्य युवा को ले जाने और देखभाल करने में भाग लेते हैं। आहार, गोल्डन लायन इमली के आहार में मुख्य रूप से फल, अमृत, कीड़े, छोटे कशेरुक और पेड़ के मसूड़े होते हैं। उनके पास विशेष दांत होते हैं जो उन्हें पेड़ के तने से गोंद निकालने की अनुमति देते हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। गोल्डन लायन इमली लियोनटोपिथेकस रोजालिया का जंगली में औसत जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष है। हालांकि उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ वे लंबे समय तक कैद में रह सकते हैं। जंगल में गोल्डन लायन इमली विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके जीवन काल को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें परभक्षण, निवास स्थान का नुकसान, विखंडन और खाद्य संसाधनों की सीमित उपलब्धता शामिल है। इसके अतिरिक्त उनके छोटे शरीर का आकार और बीमारियों की चपेट में आने से उनके औसत जीवन काल में और योगदान होता है। कैद में जहां वे विशेष देखभाल, उचित पोषण और पशु चिकित्सा ध्यान प्राप्त करते हैं, गोल्डन लायन इमली अपने जंगली समकक्षों से पूरे रह सकते हैं। अच्छी तरह से प्रबंधित कैप्टिव सेटिंग्स में व्यक्तियों के लिए अपने 20 के दशक के अंत 30 के दशक की शुरुआत तक पहुंचना असामान्य नहीं है। गोल्डन लायन इमली के संरक्षण के प्रयासों में कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम, पुनरुत्पादन पहल और आवास संरक्षण उपाय शामिल हैं। इन संरक्षण रणनीतियों का उद्देश्य उनकी जनसंख्या का आकार, आनुवंशिक विविधता और समग्र अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाना है। यदि आप जंगल में गोल्डन लायन इमली से मिलते हैं या किसी सुविधा में जाते हैं जहां वे रखे जाते हैं, तो उनके प्राकृतिक व्यवहार का सम्मान करना, दिशा निर्देशों का पालन करना और उनकी प्रजातियों के दीर्घकालिक कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। गोल्डन लायन टैमारिन एक प्रतिष्ठित और करिश्माई प्राइमेट प्रजाति है जो अपनी आकर्षक उपस्थिति और संरक्षण महत्व के लिए जानी जाती है। इस लुप्त प्राय प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए उनके निवास स्थान की रक्षा और पुनर्स्थापना के प्रयास जारी हैं।